कुछ ऐसी भी धारणाएं हैं कि इस दौरान जो है, मतलब शहरों की बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत गांव देहात देश बहुत बड़ा है, कि इस दौरान जो है महिलाएं स्नान नहीं करती हैं। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। सिर्फ स्नान नहीं, और भी कई धारणाएं हैं जो कि हिंदुस्तान में बरसों से चली आ रही हैं। तो ये नहाने को लेकर है, पूजा को लेकर है, खाने को लेकर है, कुकिंग को लेकर है, फैमिली मेंबर से मिलने को लेकर है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन है। जैसे हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, यूरिन पास करते हैं, उस तरह से। तो इसको हमें उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी को भी समझना चाहिए कि अगर एक लेडी मेंस्ट्रुएट कर रही है तो वो अनहाइजीनिक है, कि उसको थोड़ा दूर रखना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये ऐसी धारणाएं हैं हिंदुस्तान में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो साइंस की तरफ से ऐसा कोई प्रूफ या ऐसी कोई बात नहीं है साइंस की तरफ से। हाँ, रिलीजियस बिलीफ्स वगैरह हैं, वो उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, बट साइंटिफिकली उसमें कोई सत्य नहीं है। सारा काम कर सकती हैं, सारा अपना रोजमर्रा का जीवन व्यतीत कर सकती हैं, खाना बना सकती हैं, नहा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, वो है स्विमिंग को लेकर। क्योंकि अगर एक लेडी मेंस्ट्रुएट कर रही है और वो स्विमिंग पूल में जाती है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड स्विमिंग पूल में आता है। स्विमिंग पूल में और भी कई लोग हैं जो कि स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो सर्टेनली हम लोग नहीं चाहेंगे कि मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल स्विमिंग पूल में स्विमिंग करे, पब्लिक स्विमिंग पूल में। बस इसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर, एक मेरा और सवाल है कि कई बार कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको कि मेंस्ट्रुअल टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो ये क्या होता है और क्या इसके लिए कुछ तरीका है, कोई इलाज है, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह से आपके पास पेशेंट आते होंगे, आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? थैंक यू, आपने बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है और इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा होना, जिसका एक लेडी को समझने के लिए, किसी भी लेडी को अगर ब्लीडिंग 8 दिन से ज़्यादा चल रही है या वो बड़े बड़े क्लॉट्स पास कर रही है, चाहे वो समझे कि नहीं उसको ब्लीडिंग एक्सेसिव है कि नहीं, पर ये ब्लीडिंग एक्सेसिव है, ये आपको मान के उसको मान मान लेना चाहिए। अब ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये हमारी गाइनी ओपीडी में प्रेजेंट करने वाली वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अभी पहले ज़माने में क्या होता था कि जिस लेडी को ये प्रॉब्लम होती थी, फैमिली कंप्लीट हो गई होती थी, तो एक ही उपाय होता था, बच्चेदानी को निकाल दो, वो भी चाहे पेट से निकालो या नीचे से निकालो। पर अब ज़माना बदल गया है। अब मतलब ऑलमोस्ट पिछले 30 साल से मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसे ऐसे इलाज आ गए हैं जिससे यूट्रस निकालने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। अब जिस लेडी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, अगर वो अल्ट्रासाउंड करती है और अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉयड आता है, तो फाइब्रॉयड हो सकता है कि बच्चेदानी के बाहर हो सकता है बच्चेदानी के अंदर झांक रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉयड, या हो सकता है कि उसके बच्चेदानी के अंदर एक पॉलिप हो जो कि ये ब्लीडिंग कॉज कर रहा है। पहले ज़माने में क्या होता था कि बच्चेदानी ही निकाल देते थे इसको ट्रीट करने के लिए, पर आज के ज़माने में हमारे पास एक औजार आ गया है जिसका नाम है हिस्ट्रोस्कोप। हिस्ट्रोस्कोप एक दूरबीन है जो कि 2.9 मिलीमीटर से लेके 4 मिलीमीटर तक की दूरबीन है। उससे भी पतली आती है, लेकिन उसमें मैं जाऊंगा नहीं। ये औजार है जिसको हम बच्चेदानी के अंदर डाल के बच्चेदानी को अंदर से देख सकते हैं, और बच्चेदानी के अंदर अगर हमें कोई पॉलिप, कोई ट्यूमर, कोई फाइब्रॉयड नजर आए, तो उसके लिए भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसका हिस्ट्रोस्कोपिकली, मतलब नीचे से ही इलाज हो जाता है, बच्चेदानी के रास्ते से, पेट को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी। तो इस तरह से अधिकतम लेडीज जिनको ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है लेकिन उनके यूट्रस में कोई बीमारी नहीं नजर आ रही है, उनको हिस्ट्रोस्कोपिकली ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर अंदर कोई फाइब्रॉयड पॉलिप ना मिले, लेडी की फैमिली वगैरह कंप्लीट हो गई है, तो हम लोग ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम कर सकते हैं, जिसमें
बचतदानी की लाइनिंग को हम पूरी करंट से अंदर से ही निकाल देते हैं। इस तरह से लेडी को ब्लीडिंग में 80, 90 या 100% आराम पड़ जाता है। तो ये फायदे हैं हिस्ट्रोस्कोपी के, कि मिनिमली इन्वेजिव तरीके से बिना लेडी को ज़्यादा कष्ट दिए हुए एज अ डे केयर प्रोसीजर, ये हम लोग डे केयर करते हैं, मतलब सुबह आए ऑपरेशन कराया, दोपहर को पेशेंट घर गया, वो एकदम इससे क्योर हो जाती है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हिस्ट्रोस्कोपी के जो लाभ हैं वो सिर्फ ब्लीडिंग को सीमित नहीं है। हाँ, आपने देखा होगा कभी कई लेडीज़ होती हैं जिनको कई बार अबॉर्शन हो गया होता है, अब उसके लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रही होती हैं, पर होता क्या है कि यूट्रस के अंदर एक सेप्टम होता है या सब सेप्टम होता है, मतलब कोई एक कुदरती नुक्स होता है यूट्रस के अंदर जो कि उनको पैदाइशी है, पैदाइश से है, तो इसको भी हिस्ट्रोस्कोपिकली टैकल किया जा सकता है, हिस्ट्रोस्कोपिकली इसको कट किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार यूट्रस के अंदर एडिशंस बन जाते हैं, दीवारें चिपक जाती हैं जिससे ब्लीडिंग कम हो जाती है, बच्चा भी पेट में नहीं आता है। हिस्ट्रोस्कोपी से हम लोग इसको भी, इस जाले को भी हम लोग खोल सकते हैं और ये देख सकते हैं कि लेडी अपने आप कंसीव करे और यहाँ उसका ब्लीडिंग इम्प्रूव हो जाए। तो इस तरह से हिस्ट्रोस्कोपी के कई फायदे हैं और कई इंडिकेशंस हैं जिसके लिए हम लोग ये हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। अगर लेडी को मेनोपॉज हो गया हो, मतलब महीना बंद होने का टाइम आ गया हो और सडनली उसको फिर महीना शुरू हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, उनके लिए भी हिस्ट्रोस्कोपी बहुत एक अच्छी चीज़ साबित होती है, क्योंकि बिना पेट को हाथ लगाए हुए नीचे से ही हम उनको पूरा इलाज करके क्योर कर सकते हैं।